मेकर विवेक अग्निहोत्री, जो कि अगर अब तक द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं, तो साथ ही टेरर ग्रुप की हिंदू पंडित को सेंड की गई लेटर शेयर करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये बात तो सच है कि विवेक ने फिल्म से मनी अर्न करके कश्मीर को भुला नहीं दिया है, बल्कि ये साफ दिखाई देता है कि विवेक ने कितने इमोशंस के साथ इस फिल्म को बनाकर हम सबको कश्मीर की सच्चाई से रूबरू करवाया है। और अब विवेक एक दूसरी जगह की सच्चाई को भी व्यूअर्स के सामने लेकर आना चाहते हैं, जिसकी अपडेट उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से दी है, जहां उन्होंने अपनी एक पिक्चर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क ऑन अ न्यू फिल्म द डेली फाइल्स। एक्टर अनुपम खेर, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में पंडित पुष्कर नाथ के करेक्टर से सभी का दिल जीत लिया, उन्होंने भी विवेक के इस न्यू स्टेप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए लिखा, आई एम श्योर एज अ फिल्म मेकर यू विल डू जस्टिस टू अनदर चैप्टर ऑफ आवर पास्ट डेल्ट रॉन्गली, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। अनुपम जी की इस लास्ट लाइन से इस बात का हिंट लिया जाए या नहीं कि वो विवेक की नेक्स्ट फिल्म का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे, ये तो अब टाइम ही बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ फिल्म की अनाउंसमेंट ही की गई है, फिल्म कास्ट की नहीं। जितने एक्साइटेड अनुपम जी हैं विवेक की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल को लेकर, उतने ही खुश विवेक के फैंस भी हैं। फैंस ने भी ट्वीट कर विवेक को ये कहना शुरू कर दिया है, दैट दे कांट वेट फॉर अनदर ट्रुथ टू कम आउट। जहां फैंस एक्साइटेड हैं, तो वहीं अभी से इस बात की भी डिबेट्स होने लगी हैं कि द डेली फाइल्स में किस अनटोल्ड स्टोरी को बताया जाएगा। एंटी रायट 6 के विटनेस सुरजीत सिंह और बीजेपी लीडर मनजिंदर सिरसा ने कहा कि श्योरली 1984 के रायट्स पर फिल्म बननी चाहिए, और अगर इसी टॉपिक पर फिल्म बनेगी देन दे ऑल विल वेलकम इट। साथ ही वो उस टाइम रूल कर रही पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते भी नजर आए, एंड बोथ ऑफ देम अर्ग्ड दैट न्यू जनरेशन शुड आल्सो नो व्हाट दे डिड। आपको बता दें, सुरजीत जी यहाँ दिल्ली में मारे गए 6006 और कानपुर में मारे गए 306 की बात कर रहे थे। खैर, अब विवेक की फिल्म इसी टॉपिक पर होगी या नहीं, इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बट वी आर श्योर, जिस तरह विवेक ने द तशकेंट फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी अमेजिंग मूवीज बनाई हैं, उसी तरह द डेली फाइल्स भी दिल को छूने वाली फिल्म ही होगी। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।